आई एम रियली नर्वस फॉर दिस वन सो आज मैं बहुत ही सालों के बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट कर रही हूँ सो आई होप दिस गोज़ वेल एंड मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है बिगनर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए सो so, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सुप्रीमली चीप नहीं है मेकअप uh, आर्टिस्ट की वैनिटी डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट होती है बट दीज आर चीपर प्रोडक्ट्स जो कि आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो एंड आई एबसोल्यूटली अश्योर यू मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपके दो तीन वेडिंग सीजन आराम से इससे निकल जाएंगे यानी खत्म नहीं होंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सर सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो है स्किन प्रेप के सो so, सबसे पहले आप स्किन को प्रेप करते हो मेकअप करने से पहले फॉर क्लेंजिंग योर फेस

ये बहुत ही अच्छा है स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है ये बहुत ज्यादा कम रेंज में नहीं है बट इट स्टिल ड्रग स्टोर एंड बहुत बहुत अच्छा है ये आई हैव अ फ्यू ऑप्शन फॉर मॉइस्चराइजर सो अगर आप सुप्रीमली ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो एंड वेडिंग सीजन यूजअली विंटर्स में ही आता है सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर दिस इज फ्रॉम पैक इट्स द पैक मॉइस्चर लोशन एंड बहुत ज़्यादा क्वानिटी में इसको यूज मत करना एंड सेंसिटिव स्किन पे यूज मत करना बिकॉज दिस हैज अ लिटिल परफ्यूम बट आई फील लाइक दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स ले हो जाते हैं ओके सो दिस इज द वन दैर आई एप्सोल्यूटली लव किसी की स्किन सेंसिटिव एंड ड्राई है तो आप यूज कर सकते हो बायोड अगर किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो यह आप यूज कर सकते हो बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर ये भी काफ़ी सारी स्किन टाइप्स पर चल जाता है कॉम्बिनेशन पर भी चल जाएगा टी जोन में थोड़ा कम यूज़ करना और ऑइली स्किन मैं आप एक दो ऑप्शन डाल दूंगी मैं बस अभी ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइजर खत्म हो गया सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो मूव ऑन करते हैं प्राइमर्स पे अगर किसी के बहुत ज्यादा विजिबल पोर्स हैं एंड यू वांट टू लाइक कवर देम तो आप यूज कर सकते हो ये पैक का पोर सेपरेशन प्राइमर एंड अगेन ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ती कैटेगरी में नहीं है बट ये आपको बहुत ज्यादा टाइम लास्ट करेगा सो so, प्लीज उस परस्पेक्टिव से भी देखना इस वीडियो को बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज करना बहुत ज्यादा रबिन मत करना अदरवाइज द base can definitely like start peeling for that uh, shine from within you can if you are on a very tight budget you can go for the swiss beauty illuminating primer i'll put it right here or you can invest in the elf halo glow ये आता है अराउंड आई थिंक फोर्टीन हंड्रेड का ऑन सेल फोटीन हंड्रेड फोर्टीन फिफ्टी का मिल जाएगा आपको ऑन सेल और बहुत सेल होती है एल्फ पे एवरी नाउ एंड देन नाई का भी चेक कर लेना दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग मेरे को लगता है मैंने दो सीज़न पहले ख़रीदा था और ये इतना यूज़ हुआ होगा बस यू कैन सी बहुत टाइम तक आपको ये चल जाएगी

कमेंट करना आई विल लेट यू गाइज नो बहुत ही अच्छे ये हैं ड्यूई फिनिश वाले फाउंडेशन हैं बट आई फील लाइक कॉम्बिनेशन पे भी बहुत ईजिल चले जाते हैं नॉर्मल स्किन पे भी चले जाते हैं एंड आई हैव यूज दीज ऑन ऑयली स्किन ऑल्सो बस स्किन प्रेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और पाउडर सेटिंग आप अच्छे से कर सकते हो सो so, uh, सारी स्किन पे ये चल जाता है अगर आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना है तो आप इन पे कर सकते हो uh, बहुत ऑफ पे ये मिल जाते हैं कभी कभी छः सौ रुपये के भी मिल जाते हैं अनदर ऑप्शन इज़ एलेगर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन ये ऑयली स्किन पर यूज़ नहीं हो सकता है आई डोंट प्रेफर यूजिंग दिस बिकॉज आई फील लाइक ये काफी ज्यादा इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन पे यूज करना है तो ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है स्पेशली uh, विंटर्स uh, में बिकॉज स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है डिहाइड्रेटेड हो जाती है उस पर बहुत अमेजिंग काम करता है सो so, अगर आप एक ऑयली स्किन के लिए अलग फाउंडेशन ले रहे हो तो ड्राई स्किन के लिए आप डेफिनेटली ये वाली फाउंडेशन रख सकते हो अपनी वैनिटी में अ फाउंडेशन दैट इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स आई वॉन्ट से कि सुपर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे चलेगी नहीं चलेगी ये है मिलानी कंसील एंड परफेक्ट थोड़ी सी अपरेंज में आती है ये डेफिनेटली लाइक इलेवन हंड्रेड की पड़ेगी आपको बट दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट काफी फुल कवरेज है अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए ड्रग स्टोर में सो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है मिलानी अंडर थाउजेंड की कैटेगरी में आई थिंक एलेगर्ल इज probably the best concealer out there. these are must मस्ट चाहे आप हाई uh, एंडिटी बनाओ चाहे आप ड्रग स्टोर वैनिटी बनाओ ये तो मस्ट हैं. ये हाइड्रेटिंग है एंड आई फील लाइक ये हर स्किन टाइप पे जाते हैं इसमें अगर आपको कलेक्शन के लिए शेड्स लेने हैं तो गेट फोन और ऑरेंज फॉर डीप डस्क की स्किन फोन बहुत ही अच्छा शेड है यू कैन सी मैंने कितना यूज कर लिया इसको मीडियम बेज प्योर बेज बिस्क और भी एक दो है मैं आपको बता दूंगी शेड्स सो द सेकेंड वन दैट आई हैव इज फॉर एवर फिफ्टी टू इवन इनका एक शेड और ऑर्डर किया हुआ जीरो वन जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट शेड है और दन दैट आई हैव इज जीरोट जीरो एट बहुत अच्छा है कलर करेक्शन के लिए जीरो थ्री इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर कंसीलिंग एक ऑप्शन और मेरे पास कंसीलर्स का जो थोड़ा सा महंगा आता है इज द एल्फ टिंग कैमो कंसीलर ये कंसीलर बहुत अच्छे हैं बहुत हाइड्रेटिंग है बहुत फुल कवरेज है बिल्कुल फिनिश हो चुका है दिस इज इंड शेड लाइट बेज एंड बहुत अच्छा कंसीलर है ये वाला भी सो कॉन्टोर के लिए आई डोंट यूज एनी स्टिक आई डोंट यूज एनी अदर थिंग आई डिस्ट यूज दिस कंसीलर uh, है ये बेसिकली पैक का टेक कवर कंसीलर बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ मैं ये अगेन बहुत टाइम से कम से कम दो तीन साल से है मेरे पास ये और अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है दिस इज इन द शेड कॉफी बीन्स आई थिंक इसमें ना स्टिकर लगा होता है, वो हट जाता है हमेशा एंड so एलेगर्ल right के भी कुछ कंसीलर के शेड्स हैं जो आप कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हो सिंपली गेट दिस वन ज्यादा महंगे स्टिक्स वगैरह लेने की कोई नीड नहीं है जस्ट गेट दिस वन एंड यूर सोल्टेड लूज पाउडर के लिए मैं आपको बस एक ऑप्शन बताऊंगी आई थिंक ये बहुत अच्छा है दिस इज दियर ब्यूटी बनाना लूज सेटिंग पाउडर लूज सेटिंग पाउडर इन बनाना एंड आप इसका वनीला ले सकते हो वनीला बहुत अच्छा है इसका जाते हैं अगेन हर स्किन टाइप पे आप यूज़ कर सकते हो जस्ट मेक श्योर की क्वांटिटी आप डैप डैप करके यूज़ करो ओवरटली यूज करोगे तो पाउडरी कोई भी पाउडर लगेगा सो जस्ट यूज इट इन मॉडरेशन एंड बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं अंडर आइज को फेस को इवन अभी हमारे पास बहुत सारे पाउडर्स हैं लोरा मोसी है हुडा है बट स्टिल आई गो बैक टू दिस वन फॉर नॉर्मल यूज बिकॉज ये बहुत ही अच्छा पाउडर है आज मैंने अपना फेस भी इसे सेट किया यू कैन सी हाउप लुक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आपको फिक्सिंग स्प्रे बता रही हूँ सो फिक्सिंग स्प्रे बेसिकली मेकअप को फिक्स करता है मेकअप को मेल्ट कर देता है आपकी स्किन में बट आई फील लाइक ये वाला जो पैक uh, का सेटिंग स्प्रे है फिक्सिंग स्प्रे है ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी करता है ये मेकअप को स्किन में थोड़ा सा मेल्ट भी कर देता है एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि ये मेकअप को अच्छे से सेट भी कर देता है लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ये मेकअप को सो so, आपको अगर सिर्फ एक लेना है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इसकी मिस्ट बहुत अच्छी है एज यू वाइज नो एकदम फाइन मिस्ट है इसकी खुशबू भी ओवरपावरिंग नहीं लगती है फॉर बिगिनर्स ये बहुत बहुत अच्छा है यह आता है अराउंड नाइन हंड्रेड का बट ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लास्ट कर जाएगा एटलीस्ट दो सीजन तो ये आपके निकाल ही देगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वर्क यू डू आई होप आपका ये एक ही सीजन में खत्म हो जाए आप इतने मेकअप करो सो या दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एक और प्रोडक्ट मैंने आपके लिए निकाल रखा था विच इज अ लिक्विड ब्लश आई डोंट नो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते दिस इज द फरेवर फिफ्टी टू ब्लश इन प्लश जूसी चिक्स दिस इज इन द शेड जीरो जीरो टू ये हर स्किन टाइप पे चलता है एंड ये शेड भी बहुत स्किन टोन्स पे चल जाता है फेयर टू मीडियम टू डार्क पे भी चल जाता है ये शेड बहुत अच्छा है जीरो जीरो टू एंड आपने ये एक ब्लश ले लिया तो आपको बहुत टाइम तक दूसरा कोई ब्लश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पांच सौ छह सौ रुपए का आता है बहुत टाइम चलता है मैंने कम से कम तीन या चार सीजन पहले ये लिया था एंड बहुत अमेजिंग है ये ओवरटली ड्यूई भी नहीं है इट्स लाइक अ सेमी मैट फिनिश एंड आप एक बार इसको पाउडर कर दोगे ये घंटों तक हिलता भी नहीं है